अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नौशी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विंटर स्पेशल चिकन सूप की रेसिपी। कोकन का ये स्पेशल चिकन सूप है, जिसे कोकन में अलनी पानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं जाता, इसीलिए इसे अलनी पानी कहते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 किलो हमने चिकन लिया है, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट लिया है, 10 से 12 लहसुन की गलियों को कूट लिया है, 15 बादाम को हमने मिक्सी में पीस लिया है, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ली है, 2 टुकड़े दालचीनी के लिए है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, 1 जायफल लिया है और 6 लौंग ली है, 1/2 टीस्पून हमने ज़ाफ़रान लिया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी भी ऐड कर लेंगे, इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम खड़े मसाले भी ऐड कर लेंगे बिस्मिल्लाह, और इसे 2-3 सेकंड तक घी में अच्छे से भून लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर रिलीज़ हो। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें कूटा हुआ लहसुन भी ऐड कर लेंगे बिस्मिल्लाह। लहसुन को हमें गोल्डन फ्राई करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। यूं ही चलाते हुए हम इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। लहसुन हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें चिकन भी ऐड कर लेंगे, और चिकन को हम तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। बिस्मिल्लाह, यूं ही इसे चलाते हुए हम भून लेंगे। चिकन को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, चिकन का कलर अब वाइट हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर तक पानी ऐड कर लेंगे। पानी आप 1 से 1.5 लीटर तक डाल सकते हो, जितना आपको सूप चाहिए होगा। बिस्मिल्लाह, हम थोड़ा और पानी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में सभी को ये सूप बहुत ही पसंद है, इसीलिए हम ज़रा ज़्यादा ही बना रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके हमारे हिम्मत अफजाई करें। आपके लाइक और कमेंट देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है, इसलिए हो सके तो प्लीज़ लाइक दिया कीजिए कमेंट के साथ। इसी तरह हमें इसे खुले में 10 मिनट तक पकाना है। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लेंगे बिस्मिल्लाह, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही सौंफ पाउडर और टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर लेंगे बिस्मिल्लाह, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे खुले में, लिड कवर नहीं करना है, वरना ये बह सकता है, क्योंकि इसमें नमक नहीं है, ये बिल्कुल अनसॉल्टेड है। यकीन मानिए आप कि ये बगैर नमक के भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल हेल्दी और परफेक्ट सूप है ये कोकन का। तो ये स्पेशल सूप है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है ये सूप। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं सूप को पकते हुए, हमने 1/2 जायफल भी अंदर क्रश करके डाल दिया है। अब हम क्रॉस लिड कवर करके रख देंगे। सूप को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड कवर हटा देंगे और इसे एक बार चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चिकन 80% कुक हो चुकी है। अब हम पिसा हुआ बादाम का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बादाम के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे क्रॉस लिड कवर कर देंगे, फिर से इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन हमारी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, अब हम फिर से बादाम के पेस्ट के साथ इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक।
गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन सूप को पकते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं, पहले मिक्स कर लेंगे इसे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा विंटर स्पेशल चिकन सूप या कोकनी स्टाइल अलनी पानी कहिए, बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनी है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही यम्मी बना है, बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी बना है माशाल्लाह। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये सूप ऐसा है कि बगैर नमक के बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ये बगैर नमक के भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें विदाउट सॉल्ट के। पहले हम सारे चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे, इसके बाद हम ऊपर से सूप पोर कर लेंगे। हमने सूप को बाउल में सर्व कर लिया है। अब हम ऊपर से जायफल भी स्प्रिंकल कर लेंगे, क्रश किया हुआ जायफल स्प्रिंकल कर लेंगे। जायफल का टेस्ट सूप में बहुत ही बेहतरीन लगता है, सर्व करते टाइम इसे ज़रूर डालिएगा। अब हम मेल्टेड देसी घी भी 1 टीस्पून के करीब ऊपर से डाल देंगे, इससे टेस्ट में और इजाफा होता है। अब हम कुछ धागे ज़ाफ़रान के भी ऊपर से ऐड कर लेंगे। ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिएगा, वरना स्किप कीजिएगा। यह ऐसे भी बहुत ही बेहतरीन बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने चिकन सूप को सर्व कर लिया है। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारी विंटर स्पेशल चिकन सूप की रेसिपी या कोकनी स्टाइल अलनी पानी की रेसिपी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।